अपनी बात की शुरुआत दो पंक्ति की घटना के साथ करना चाहूंगा। फ्रांस के राजा हेनरी अपने सभासदों और महामात्यों के साथ, मंत्री और सेनापति के साथ नगर के राजमार्ग से गुजर रहे थे। रथ में वो बैठे हुए थे, उनकी शोभा यात्रा चल रही थी कि तभी उन्होंने देखा राजमार्ग के किनारे एक भिखारी बैठा है। और भिखारी ने दूर से जैसे ही नगर के राजा को आते हुए देखा तो वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपने सिर पर रखी हुई टोपी उतारी और हाथ ऊपर करके उसने राजा को सैल्यूट दी, प्रणाम किया, नमस्कार किया। और जब राजा ने यह दृश्य देखा तो वो भिखारी के पास जैसे उसका रथ पहुंचा, राजा ने भी अपने सिर की टोपी उतारी, हाथ ऊपर किया, सैल्यूट किया, प्रणाम किया, आगे रवाना होने लगे। तो पास में खड़े हुए सेनापति को भी आश्चर्य हुआ और उसने कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, ये तो भिखारी है और आप राजा हैं। ये भिखारी है तो भिखारी का तो फर्ज होता था कि नगर का राजा अगर इधर से गुजर रहा है तो वह आपको सैल्यूट दे, पर आपको उसको वापस सैल्यूट देने की कहां जरूरत थी, आप भी सम्राट जब देखो तब कुछ भी काम कर लिया करते हैं। राजा हेनरी मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा, मंत्री तुम में और मुझ में यही फर्क है, तुम मंत्री हो और मैं राजा हूं और ये इसी बात के कारण है। ये भिखारी अगर इतना बड़प्पन दिखा सकता है कि इधर से कोई राजा गुजरे तो उसको सैल्यूट मार सके, तो ये राजा इतना गया बीता नहीं हो सकता कि सैल्यूट का जवाब भी वापस सैल्यूट में न दे सके, किसी के प्रणाम का जवाब वापस प्रणाम में न दे सके, किसी की विनम्रता का जवाब वापस विनम्रता में न दे सके, किसी के अच्छे व्यवहार का जवाब वापस अच्छे व्यवहार में न दिया जा सके। मुझे कोई पूछे कि इंसान के कुल का परिचायक कौन होता है, क्या कोई गोरे रंग का इंसान ऊंचे कुल का होता है, क्या कोई महंगे गहने पहनी हुई महिला ऊंचे कुल की होती है, क्या कोई आलीशान कोठी में रहने वाला इंसान ऊंचे कोठी का होता है। अगर मुझे कोई पूछे कि दुनिया में ऊंचा इंसान कौन सा होता है तो मैं कह देना चाहूंगा, न तो रंग से इंसान महान होता है, न रूप से इंसान महान होता है, न धन से इंसान महान होता है, न सौंदर्य से इंसान महान होता है, न जमीन जायदाद पद और प्रतिष्ठा और पैसे से दुनिया में इंसान महान होता है। इंसान जब भी महान होता है अपने किसी न किसी महान व्यवहार के कारण हुआ करता है। जब लोग अच्छे व्यवहार के मालिक बनते हैं तो अपने आप दूसरों के दिलों में जगह बनाया करते हैं। और जो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे गहने पहनते हैं, ऊंची कोठी में रहते हैं पर अच्छे व्यवहार के मालिक नहीं हुआ करते, वे बड़े लोग भी छोटे लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते। लेकिन छोटे लोग भी जो न तो ऊंची कोठी में रहते हैं, न महंगे गहने पहनते हैं, न बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, न ऊंची जमीन जायदाद के मालिक होते हैं, लेकिन वे छोटे लोग भी अच्छा व्यवहार करके दुनिया में महान आदमी बन जाया करते हैं। आदमी का व्यवहार ही होता है, जो व्यवहार व्यक्ति की जिंदगी में उसकी महानता का परिचायक होता है। आदमी का व्यवहार ही होता है जो उसकी कुलीनता का परिचायक होता है। आदमी का व्यवहार ही होता है जो उसके स्वभाव का परिचायक होता है। आदमी का व्यवहार होता है जो उसके चरित्र का परिचायक होता है। हकीकत तो यह है कि आदमी का व्यवहार ही वो होता है जो आदमी के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। अगर आपके अंगूठी में महंगा हीरा है और आप चार लोगों के बीच बैठे हैं तो तारीफ तो होगी, पर जरा याद करो जब आप महंगी अंगूठी पहनकर, बड़े हीरे वाली अंगूठी पहनकर आप बैठे थे तब लोगों ने तारीफ की थी, भाई साहब बहन जी आपकी अंगूठी का हीरा बहुत अच्छा है, किसकी तारीफ हुई, आपकी तारीफ नहीं हुई थी इसमें, नहीं हीरा आपने पैदा किया है, कहीं से हीरा आया था आपने उसको पहन लिया, यानी आप तारीफ के काबिल नहीं थे तो सामने वाले को हीरे की तारीफ करनी पड़ी। काश किसी हीरे की तारीफ तब होती है जब आदमी खुद हीरा नहीं होता है। आपने महंगा ब्रासलेट अपने हाथ में पहन रखा है और सामने कोई व्यक्ति बैठा है वो कहेगा, भाई साहब आपका ब्रासलेट बहुत अच्छा है, मतलब आप उसे अच्छे नहीं लगे, आपका ब्रासलेट अच्छा लगा। हमारे शरीर पे किसी भी प्रकार का हमने आभूषण पहन रखा है तारीफ उसकी होती है, इसमें हमारी क्या तारीफ होती है। कोई कहे
आज आप ब्यूटी पार्लर में जाके आए, अरे आपका श्रृंगार बहुत अच्छा कर रखा है, यानी तारीफ किसकी हुई? श्रृंगार की हुई, आपकी न हुई। पर हाँ, अंगूठी में हीरा पहन रखा है तो हीरे की तारीफ है, आपकी नहीं। गले में अच्छी सुंदर सा आपने सेट डायमंड का पहन रखा है तो तारीफ डायमंड सेट की हुई, आपकी नहीं। और आपने सुंदर श्रृंगार रचा रखा है तो तारीफ श्रृंगार की हुई, आपकी नहीं। पर अगर आपकी जबान मीठी है तो तारीफ किसकी होगी? पर आपका व्यवहार अच्छा है तो तारीफ किसकी होगी? पर आप जब भी किसी के साथ पेश आते हैं, शालीनता से पेश आते हैं तो तारीफ किसकी होगी? दुनिया में किसी भी बड़े व्यक्ति की तब तक तारीफ न हुई जब तक वो बड़ा बनकर रहा। दुनिया में बड़े व्यक्ति की तभी तारीफ हुई जब वो सबके लिए विनम्र और छोटा बनने की हिम्मत जुटा सका। दुनिया में तारीफ उसी की हुई, दुनिया में प्रशंसा उसी की हुई। किसी अमीर आदमी की तब तक तारीफ नहीं होती, अमीर आदमी की अमीरी तिजोरी में होती है, लेकिन उसकी तारीफ तभी होती है जब लोगों के प्रति वो उदार होता है। किसी ज्ञानी आदमी का ज्ञान शास्त्र में होता है, पर उसकी तारीफ तभी होती है जब वो विनम्र होता है। आदमी का व्यवहार, आदमी की सदा सहायता पूर्ण किए गए क्रियाकलाप, यही तो दूसरों के दिलों में जगह बना देते हैं। हम ही हैं जो कहा करते हैं, अरे यार वो क्या आदमी था। आपको पता है दुनिया में देव की योनि हमेशा देव योनि रहती है। देव कभी इंसान और जानवर नहीं बनता, वो अपने जीवन में सदा देव ही रहता है, और जानवर अपने जीवन में सदा जानवर ही रहता है। गाय को हम सदा गाय ही कहते हैं, गधे को हम सदा गधा ही कहते हैं, कुत्ते को हम सदा कुत्ता ही कहते हैं, शेर को हम सदा शेर ही कहते हैं, और देव को हम सदा देव ही कहते हैं। न तो हम देव को कभी आदमी कहते हैं, न जानवर को कभी आदमी कहते हैं, पर आदमी ऐसा है जिसको हम देव भी कहते हैं और जानवर भी कहते हैं। देव को कभी आदमी दुनिया में नहीं कहा जाता, जानवर को कभी इंसान नहीं कहा जाता, पर कुछ इंसान जीवन को ऐसा जिया करते हैं जब उन इंसानों के लिए हम कहते हैं अरे वो आदमी नहीं, वो तो क्या था, देवता था। और कभी कभी किसी गए बीते इंसान के लिए हम कहते हैं अरे वो कोई आदमी है क्या, एक नंबर का है, क्या है, क्या है, गधा, एक नंबर का, और भी आप तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो इंसान है जो कभी गधा भी कहलाता है, इंसान है जो कभी कुत्ता भी कहलाता है, और इंसान है जो कभी देव भी कहलाता है। देव हमेशा देव रहेंगे, जानवर हमेशा जानवर रहेंगे। भगवान ने दो कुल निर्धारित कर दिया, देवों को कह दिया तुम सदा देव रहोगे अपने जीवन में, और जानवरों को कह दिया तुम अपनी योनि में सदा जानवर रहोगे। पर इंसान को यह सौभाग्य दिया, तुम अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहो तो तुम ही दुनिया में देव बन जाओगे, और तुम अगर दुनिया में नीचे गिरना चाहो तो तुम ही दुनिया के जानवर बन जाओगे। इंसान के पास संभावनाएं हैं, जानवर के पास संभावना नहीं, देव के पास संभावना नहीं, इंसान के पास संभावना है। और इसलिए मैंने कहा कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है। जैसे हमें कहां पैदा होना था, यह निर्णय क्या हमारे हाथ में था? क्या आप में कोई मेहता के घर में पैदा हुआ है, कोई बंसल के घर में पैदा हुआ है, कोई माहेश्वरी के घर में पैदा हुआ है, कोई अग्रवाल के घर में पैदा हुआ है, कोई पोरवाल के घर में पैदा हुआ है, कोई ओसवाल के घर में पैदा हुआ है, कोई सुथार के घर में, कोई ब्राह्मण के घर में, कोई किसी और जाति में पैदा हुआ है? कहां पैदा होना, क्या यह निर्णय हमारे हाथ में था? आप में कोई काला है, कोई गोरा है, क्या रंग कैसा हो, यह निर्णय हमारे हाथ में था? आप में कोई लंबा है, कोई ठिंगना है, कैसा हो, क्या हमारे हाथ में था? आप में कोई अमीर के घर में पैदा हुआ, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ? अनिल अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसके हाथ में नहीं था कि वो वहां पैदा हो, और कच्ची बस्ती में जो पैदा हुआ उसके हाथ में यह नहीं था कि वो वहां पैदा हो। जिंदगी में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, पर जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है। जैसे हमारी जबान कैसी हो, जैसे हमारा स्वभाव कैसा हो, जैसे हमारा व्यवहार कैसा हो, जैसे हमारा बोलचाल कैसी हो, जैसे हमारा उठना बैठना कैसा हो, ये सब हमारे हाथ में है। चेहरे का रंग विधाता ने दिया, वो विधाता के हाथ में है, पर जीवन जीने का ढंग हमारे हाथ में है। जो मैं बातें कहूंगा वो चेहरे के रंग को सुधारने की ना होगी, जो मैं बातें कहूंगा वो आपके जीवन जीने के ढंग को सुधारने की होगी। और मेरे भाई, जो काला है वो तो काला ही रहेगा, गोरा नहीं होगा, क्यों जी? चाहे जितने साबुने घिस घिस के नहा लो, चाहे जितने तेल लगा लो, चाहे जितने पाउडर लगा लो, पर जो काला है वो तो
काला ही रहेगा, जो गोरा है वो तो गोरा ही रहेगा। रंग को बदलना आदमी के हाथ में नहीं है, चाहे जितनी साबुने घिस लो। आखी उम्र लगाए लेने लक्ष रेखसो ना साबु, आखी उम्र लगाए लेने लक्ष रेखसो ना साबु, फिर भी कारे के कारे रह गए जगजीवन राम बाबू। तो जो काला है वो काला ही रहेगा, जिंदगी भर साबुने घिस ले कोई फर्क नहीं पड़ता। मानता हूं रंग को बदलना और सुधारना शायद इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन जीने के ढंग को सुधारना, जीवन जीने के स्तर को सुधारना, हमारे जीवन जीने के स्वरूप को सुधारना, ये इंसान के हाथ में है। आओ आज हम वो काम करते हैं जो हमारे अपने हाथ में है। हम खुद पड़ताल करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिनसे हम जहां खड़े हैं वहां से अपने जीवन को ऊपर उठा सके। याद रखना, आदमी के जीवन में किया गया एक महान व्यवहार आदमी के जीवन को रोशन और चमन कर देता है, और आदमी के खुद के द्वारा किया गया एक गलत व्यवहार आदमी के जीवन को दुखी कर देता है। दुनिया में जितने भगवान हुए हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति साधना करके भगवान नहीं हुआ। साधना करके व्यक्ति सिद्ध होता है, साधना करके व्यक्ति अरिहंत होता है, साधना करके व्यक्ति सिद्धत्व को प्राप्त करता है। भगवान तो वो तब बनता है जब भगवान उसे, दुनिया जनता उसे भगवान के रूप में स्वीकार कर लेती है। व्यक्ति साधना करके सिद्ध बन सकता है, भगवान बन सकता है, पर लोगों की नजरों में भगवान तभी कहलाता है जब वो अपने द्वारा महान व्यवहार किया करता है। लोग उसे भगवान तभी मानेंगे जब अपने द्वारा महान व्यवहार किया जाएगा। यों तो दुनिया में अनंत अनंत सिद्ध हो गए होंगे, पर भगवान कितने कहलाते हैं? जो जनता के दिलों में, दुनिया के दिलों में हजारों सालों के बाद भी अगर राज कर रहे हैं, आज अगर हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू 2 घंटा में खत्म हो जाती है, मोमबत्ती जलाते हैं उसकी रोशनी 3 घंटा में खत्म हो जाती है, पर महावीर बुद्ध राम कृष्ण ऐसी अगरबत्तियां हुए जो जली तो तब थी पर खुशबू आज भी आ रही। महावीर बुद्ध राम कृष्ण ऐसी मोमबत्तियां हुई जो जली तो तब थी पर रोशनी अब भी आ रही है, ऐसी अगरबत्तियां हुई जो जली तब थी पर खुशबू आज भी हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही है। वो आदमी का कहीं ना कोई कोई खास व्यवहार था। अगर कृष्ण भगवान बने तो कोई खास काम किया होगा, अगर महावीर भगवान बने तो कोई खास व्यवहार किया होगा, अगर बुद्ध भगवान कहलाए तो कोई खास काम किया होगा, अगर जीसस भगवान कहलाए तो कोई खास काम किया होगा, और सुकरात को आज भी याद किया जाता है तो कोई खासियत रही होगी। महावीर सिद्ध बने 12 साल तक जंगलों में या साधना करके, पर भगवान कब कहलाए? चलिए मैं बताता हूं कौन महापुरुष कब भगवान बना, कब किसके मुंह से किसके लिए भगवान निकला। आपने एक फोटो देखा होगा भगवान श्री महावीर का कि उनके कानों में कीले ठोके गए। किस किसने देखा है ये फोटो? सबने लगभग ये फोटो देखा है कि उनके कान में एक आदमी, एक ग्वाला कीले ठोक रहा है। ये तो सामान्य सी बात थी। हम लोग भगवान की इस घटना को तो प्रायः कर लोगों को बता देते हैं, पर इससे भी बढ़कर एक महान घटना भगवान के साथ हुई जिस घटना ने उनको भगवान बना दिया, और वो घटना ये थी कि जब एक वैद्य ने देखा कि उनके कान में ऐसे कीले गड़े हुए हैं, तो वैद्य ने, जब वो ध्यान में खड़े थे महावीर, तो बड़े हौले से दवाई लगाते हुए और उनके कील को बाहर निकाल दिया, दोनों कानों की कील को बाहर निकाल दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण 12.5 वर्ष की साधना के दौरान महावीर की आंख में केवल एक बार आंसू आए थे। संपूर्ण 12.5 वर्ष की साधना के दौरान महावीर की आंखों में एक बार आंसू आए थे, और उसी आंसू ने महावीर को भगवान बना दिया। और वो आंसू इस बात के थे, जब वो कीले जैसे ही निकाली गई कि भगवान की आंख में आंसू आ गए, टप टप आंसू टपक पड़े, तो वैद्य ने कहा, भगवान क्या बात हुई? अरे मैंने तो आपकी पीड़ा को कम करने के लिए कीले निकाली है, क्या मैंने इतनी पीड़ा दी कि जब कीले ठोकी गई तब तो आपकी आंख में आंसू ना आया, और जब मैंने कीले निकाली तो आपकी आंख में आंसू आ गया? प्रभु मैंने आपको कोई पीड़ा दी है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान ने कहा, वस कैसी बात करते हो, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं आए क्योंकि मुझे कोई पीड़ा हो रही थी, मेरी आंख में आंसू इसलिए आए मेरे मन में यह विकल्प जगा कि मैं तो साधना के काल में खड़ा था, सो मेरे कान में कीले ठोके गए, मैं शांति से सहन कर गया। मैं तो साधना काल में खड़ा हूं इसलिए मेरे कान में अगर कीले ठोकी गई तो मैं शांति से सहन कर गया।
पर कभी कर्म का उदय आएगा और बेचारे उस ग्वाले के कान में किले ठोकी जाएगी तो बेचारा वो ग्वाला कैसे सहन करेगा, बेचारा वो ग्वाला कैसे सहन करेगा, बेचारा वो ग्वाला कैसे सहन करेगा। वैद्य ने कहा महावीर आप महावीर नहीं, आप भगवान हैं। और तब वैद्य ने कहा आप महावीर नहीं केवल आप भगवान हैं, क्योंकि कोई भगवान आदमी ही औरों के प्रति अपने अंतर्हृदय में इतना करुणा भरा व्यवहार रख सकता है। आपको पता है जीसस भगवान क्यों कहलाए? एक सामान्य से घर में पैदा हुआ इंसान आज दुनिया के आधी कौम का भगवान बना हुआ है। एक छोटे से महान व्यवहार ने जीसस को भगवान बनाया। न तो बाइबल ने जीसस को भगवान बनाया, न ही उनके शिष्यों ने उनको भगवान बनाया। जीसस का वो एक व्यवहार याद कीजिए। आदमी का एक महान व्यवहार उसे भगवान कैसे बनाता है? और जीसस का वो एक छोटा सा व्यवहार कि जब जीसस को सलीब पर लटकाया जा रहा था, क्रॉस पर लटकाया जा रहा था, पूरी दुनिया का नियम है कि क्रॉस पर फांसी पर मृत्यु दंड देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और तब जीसस ने कहा था मेरे उन दो शिष्यों को मेरे सामने लाया जाए कि जिन्होंने मुझे क्रॉस पर लटकने के लिए मजबूर कर दिया। जीसस के वे दो शिष्य जो उसी के प्रति जीसस के प्रति ही विरोधी हो गए थे, धोखा दे दिया था उन्होंने, उनको लाया गया जिनके कारण जीसस को क्रॉस पर लटकने की मुसीबत सामने आई थी। जीसस ने कहा थोड़ा एक लोटे में दूध और पानी लाया जाए, देखिएगा मरने से पहले, मृत्यु से पहले, क्रॉस पर लटकने से पहले किसी एक व्यक्ति का डेढ़ मिनट का किया गया महान व्यवहार उसे भगवान बना देता है। और तब जीसस ने अपने अनुयायियों से कहा था कि मुझे एक लोटा दूध और एक लोटा पानी ला के दिया जाए, मेरी कुछ अंतिम इच्छा है, मैं मरने से पहले पूरी करना चाहता हूं। और जीसस ने तब अपने उन दो विरोधियों को जिन्होंने उनको क्रॉस पर लटकने के लिए मजबूर कर दिया था, जिन्होंने क्रॉस पर लटकने का दंड दिलवाया था जीसस को, उन दोनों विरोधियों को सामने बैठाया। जीसस ने नीचे थाली रखी, दोनों के चरण उसमें रखवाए और उसके बाद दोनों के चरणों का दूध से प्रक्षालन किया, उसके बाद पानी से प्रक्षालन किया, पानी को अपने सिर पे लगवाया और उसके बाद जो उनके लंबे लटकते हुए बाल थे जीसस ने अपने बालों को आगे किया और अपने दोनों शिष्यों के पांव को पहुंचा। जीसस की आंख में तब आंसू आ गए और ये कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। शत्रु के प्रति भी किए गए, दुश्मन के प्रति भी किए गए, विरोधी के प्रति भी किए गए, जीसस के एक छोटे से मृत्यु से पहले केवल दो मिनट के इस व्यवहार ने जीसस को भगवान बना दिया। केवल दो मिनट के व्यवहार ने, और शायद ये काम करके वो न जाते तो जीसस दुनिया के भगवान नहीं बन पाते। ये दो मिनट का व्यवहार ये इंसान को इंसान से ऊपर उठाता है और भगवान की स्थिति तक पहुंचाता है। राम भगवान कहलाए? एक राजकुल में पैदा हुआ इंसान कि जिसने कोई संत जीवन भी दुनिया में स्वीकार न किया होगा आम इंसान की दृष्टि में, तो जरा सोचो कि वो इंसान दुनिया का भगवान कैसे बन गया। कहीं ना कहीं राम का कोई महान व्यवहार रहा और राम के उस व्यवहार ने राम को भगवान बनाया कि जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम अयोध्या में लौट कर आए, याद कीजिए घटना को, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में आए, विमान उतरा, अयोध्या के लाखों नर नारी राम का स्वागत करने के लिए तत्पर थे, पूरा राजवंश, पूरा रघुकुल, पूरा राजकुल उनके स्वागत और सम्मान के लिए आतुर था। राम जैसे ही विमान से नीचे उतरे, याद कीजिए अब उस घटना को, इसी घटना ने राम को भगवान बनाया था, इसी घटना ने। और अगर ये घटना ये महानता राम न दिखा पाते तो आज दुनिया उन्हें भगवान नहीं मान पाती। और जैसे ही वो विमान से नीचे उतरे कि उतरते ही राम ने एक महान काम किया, उनके सामने कौशल्या खड़ी थी अपनी माँ, उनके सामने सुमित्रा खड़ी थी अपने छोटे भाई लक्ष्मण की माँ, और उनके सामने कैकेयी खड़ी थी उनको वनवास देने वाली माँ। तीनों माताएं सामने खड़ी थी। राम का बड़प्पन, राम का महान व्यवहार, राम आगे बढ़े,
कई कई की ओर जाने लगे। लक्ष्मण ने हाथ पकड़ा, भैया ये क्या कर रहे हैं? राम ने कहा, नहीं, पहले प्रणाम की हकदार यही कैकेयी है। और तब राम कैकेयी मां के पास आते हैं, आकर घुटने टिकाते हैं, शीश नमाते हैं और कैकेयी मां की चरण धूलि को अपने माथे पे लगाते हैं। और तब पास में खड़ी हुई जन्म देने वाली मां कौशल्या और लाखों लाख अयोध्या के वासी कहते हैं, राम तुम राम नहीं हो, तुम धरती के भगवान हो। ये आदमी का एक महान व्यवहार होता है। कृष्ण जो जिंदगी भर तक गोपियों के संग रास लीलाएं करते रहे, अगर गोपियां नहाने के लिए तालाब में उतर जाए तो उनके कपड़े चुराते रहे, आखिर वो गोपियों के संग रास लीला करने वाला इंसान दुनिया का भगवान कैसे बन गया? कोई ना कोई एक महान व्यवहार। और इसी जिंदगी में किए गए एक महान व्यवहार के कारण अगर महावीर भगवान बने, अगर राम भगवान बने, अगर जीसस भगवान बने, तो उसी के चलते कृष्ण भगवान बने। कहते हैं जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, देश भर के हजारों हजार महान सम्राट राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। ये उनके युद्ध विजय का राजसूय यज्ञ था। और कहते हैं कि तब अलग अलग काम सौंपे जा रहे थे। किसी ने कहा कि जो भी मेहमान आएंगे उन सारे मेहमानों को शॉल मैं पहनाने का सौभाग्य लूंगा, उसको उसका काम सौंप दिया गया। कोई सम्राट खड़ा हुआ कि जो भी मेहमान आएंगे सबको मालाएं मैं पहनाऊंगा, उसको उसका काम सौंप दिया गया। फिर कोई सम्राट खड़ा हुआ, उसने कहा जो भी बाहर से मेहमान आएंगे सबको तिलक मैं करूंगा। किसी ने तिलक की जवाबदारी ली, किसी ने नारियल भेंट करने की जवाबदारी ली, किसी ने पान खिलाने की जवाबदारी ली, किसी ने मान सम्मान करने की जवाबदारी ली। सबने अपनी अपनी जवाबदारियां उठा ली तो धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि श्री कृष्ण, सबने अपनी अपनी जवाबदारियां उठा ली है, क्या आप कोई जवाबदारी न उठाएंगे? और तब कहते हैं कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, मैं यही सोच रहा था कि सब अपने अपनी जवाबदारियां उठा ले तो पीछे की जवाबदारी मैं उठा लूं। तो युधिष्ठिर ने कहा अब तो कौन सी जवाबदारी है? तो कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस राजसूय यज्ञ में मैं दो जवाबदारियां उठाता हूं कि इस राजसूय यज्ञ में जितने भी मेहमान आएंगे उन मेहमानों के चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मैं लूंगा। जितने भी मेहमान आएंगे, जितने भी संतगण आएंगे, जितने भी अतिथिगण आएंगे उनके चरणों को प्रक्षालित करने का सौभाग्य मैं लूंगा, और जितने भी लोग भोजन करेंगे उनकी जूठी पत्तलों को उठाने का सौभाग्य मैं लूंगा। और तब पांचों पांडव अपने आप को रोक न पाए और खड़े होकर कहने लगे, कृष्ण तुम्हारे जीवन की ये जो महानता है इसी के चलते तो तुम दुनिया के भगवान कहलाते हो। आदमी के द्वारा मंच पर आकर सेवाएं करना बैठना सरल होता है, लेकिन सेवा के कामों में लगे रहना और आदमी लोगों के दिलों में जगह तब बनाता है जब वो आम दीन दुखियों के लिए अपने व्यवहार को महान बनाता है। महावीर भगवान बने किसी के प्रति करुणा का व्यवहार करके, राम भगवान बने किसी के प्रति सदाचार और विनम्रता का व्यवहार करके, जीसस भगवान बने किसी के प्रति प्रेम का व्यवहार करके, कृष्ण भगवान बने किसी के प्रति विनम्रता का व्यवहार करके, सुकरात अगर धरती पर महान कहलाए, कहते हैं सुकरात ऐसे जैसे हम आप लोगों के बीच बैठे हैं ऐसे ही सुकरात बैठे हुए भक्तों के बीच अपना सत्संग कर रहे थे, उपासकों के बीच अपना सत्संग कर रहे थे कि तभी पत्नी ने खाना बनाने के बाद, सुकरात की पत्नी बड़ी गुस्सैल थी, पता है ना आप लोगों को, सुकरात की पत्नी बड़ी गुस्सैल थी। और जिस किसी आदमी की पत्नी गुस्सैल है उसे संत बनने की तो जरूरत ही नहीं है। जिस किसी इंसान की पत्नी गुस्सैल है उसे संत बनने की जरूरत ही नहीं है, उस पत्नी को सहन करते रहो, ये संत जीवन ही है। सुकरात सत्संग कर रहे थे, उनकी पत्नी थोड़ी गुस्सैल थी और उस गुस्सैल पत्नी ने खाना बनाने के बाद आवाज लगाई, अजी सुनो खाना बन गया खा लो। सुकरात ने हाथ से ही सर गया, थोड़ा मैं सबको पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट में आता हूं। वो फिर अच्छी बातें सुनने सुनाने लग गई, अपने शिष्यों को अच्छी बातें बताने लग गई, ज्ञान की किरणें बांटने लग गई। 2 मिनट तो पत्नी ने धीरज रखा पर प्रकृति उसकी तेज थी, तो फिर आवाज लग गई, अजी खाना खाना है क्या?
खाना खाना है तो आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मैंने खाना बना के रख दिया, पहले खाना खा लो। सुकरात ने फिर हाथ से इशारा किया तो वो और थोड़ी गुस्से में आई, खाना हो तो खाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और कल से मैं खाना बनाने वाली नहीं हूं, तुम समय पे खाना तो खाते नहीं हो। और उसने दो चार उल्टे सीधे शब्द भी कह दिए। सुकरात शांत रहे, मुस्कुराते हुए कहा आ रहा हूं। पत्नी सहन न कर पाई, जब सुकरात ने दो मिनट अपना उद्बोधन देना, प्रवचन देना और जारी रखा तो पत्नी को आया गुस्सा, वो आपा खो बैठी। और हमें पता है ना, गुस्से में आदमी अपना आत्मनियंत्रण खो बैठता है, वो आत्मनियंत्रण खो बैठे और उसने पानी का घड़ा उठाया और लाकर सुकरात के सिर पर डाल दिया। सुकरात का पूरा बदन, सारे कपड़े भीग गए, आसन भीग गया, सारे शिष्य हक्के बक्के रह गए कि भगवान ने कैसी पत्नी दी इनको, हजारों लोगों के बीच इस तरह लाकर पानी सिर पर डाल दिया, पूरी मटकी ही उंडेल दी। और जैसे ही गुस्से में आग बबूली हुई, पत्नी ने सुकरात के सिर पर पानी की मटकी उंडेली, वो पूरे भीगे। सारे शिष्यों को बड़ा गुस्सा आया, पर सुकरात मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, देखो भाई देखो, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, ये गरजती भी है और बरसती भी है। भगवान ने मुझे कितनी अच्छी पत्नी दी है, ये गरजती भी है और तब शिष्यों ने कहा, सचमुच सुकरात, आप सामान्य इंसान नहीं, आप भगवान हो। मेरे भाई, जीवन हमारा परम पिता परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रेम भरा उपहार है, और इस जीवन को हम कितना जीते हैं, कैसे जीते हैं, किस रूप में जीते हैं, ये सारा फैसला हमारा अपना ही होता है। आओ हम अपने जीवन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने ही जीवन के साथ कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कैसा हो हमारा जीवन, आदमी के जीवन के जिन गुणों में सबसे पहला गुण किसी व्यक्ति को प्रभावित किया करता है, जो मैं कहना चाहूंगा जीवन में अगर जोड़कर रख सको पहला गुण, तो वो ये है, सदा विनम्र बने रहो दूसरों के दिलों में राज करने के लिए। देखो भाई, आदमी के पास दो विकल्प होते हैं। मैं आप ही से पूछता हूं, अगर हमारे कारण किसी की आंख में आंसू आते हैं, ये पुण्य है कि पाप है, जरा बताइए तो हैं? कौन बताएंगे? बहन आप खड़े हो तो, हाँ सबसे कोने में बैठे ना, खड़े हो जाओ, संकोच मत खाओ, हाँ आप खड़े हो जाइए, जरा बताइए कि अगर हमारे कारण किसी की आंख में आंसू आए, ये पुण्य है कि पाप है? आपकी बहू घर में है, हैं? घर में बहू है ना, अगर आपके कारण बहू की आंख में आंसू आते हैं, पुण्य है या पाप है? हैं? जोर से बोलिए, पाप है। पर अगर आपके लिए आपकी बहू की आंख में आंसू आते हैं तो पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। जीवन का सीधा साधा सार समझ लो, अगर आपके व्यवहार के कारण आपकी पत्नी बहू के आंख में आंसू आते हैं, अगर आपके कारण आपके घर वालों के आंख में आंसू आते हैं, तो ये आपके लिए पाप है। और अगर आपके लिए कि सासू मां 3 दिन के लिए बाहर चली गई, तो उसे याद कर के बहू की आंख में आंसू आ रहे हैं, तो ये पाप है कि पुण्य है? ये पुण्य है। अपने जीवन को ऐसा मत जियो कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू आए, अपने जीवन को ऐसा जियो कि तुम्हारे लिए किसी की आंख में आंसू आए। अपने जीवन को ऐसा मत जियो कि हमारे कारण किसी की आंख में आंसू आए, अपितु अपने जीवन को इस तरह का जीने की कोशिश करो कि हमारे लिए किसी की आंख में आंसू आए। जीवन का पहला गुण, मैं 5 जीवन के टिप्स आपको देना चाहता हूं, जिससे आपका व्यवहार प्रभावी बन सकता है, आप दूसरों के दिलों में राज कर सकते हैं, आप दूसरों की नजरों में ऊंचे उठ सकते हैं, आप औरों के दिलों में राज कर सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि आदमी कितना महान है। और उसके लिए पहला मैं अपनी ओर निवेदन करना चाहता हूं, वो है, जीवन में सदा विनम्र बने रहो। याद रखना, दुनिया में अकड़बाज लोग दुनिया में कभी पसंद नहीं किए जाते, लोगों के दिलों में वे ही लोग राज करते हैं जो विनम्र होते हैं, झुक कर रहते हैं। गुजराती की बड़ी प्यारी कहावत है, जे नमे ते सहुने गमे, जे नमे ते सहुने गमे, जो विनम्र होता है वो सबके दिलों में राज करता है। पेड़ की ओर देखो भाई, आम के पेड़ की ओर, जब तक कैरी अकड़ी हुई रहती है तब तक वो कच्ची भी रहती है और खट्टी भी होती है। जब तक कैरी अकड़ी रहती है तब तक वो खट्टी भी होती है और कच्ची भी होती है, लेकिन जैसे ही रस से भरकर वो नीचे झुक जाती है तब वो मीठी भी हो जाती है और स्वादिष्ट भी बन जाया करती है। अपने जीवन में अपने अकड़पन को दूर रखो, विनम्रता को अपने जीवन में जोड़कर रोकने की कोशिश करो।
जो जितना विनम्र होता है वो दूसरों के दिलों में उतना ही राज किया करता है। हमें आकर लोग कहते हैं, साहब हम आपको हाथ जोड़ते हैं, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, आप वापस हमें हाथ क्यों जोड़ते हैं? लोगों को पता नहीं, हाथ जोड़ो तो भी दिक्कत होती है, हाथ उठाओ और दिक्कत हो तो बात समझ में आती है। यहाँ तो हाथ जोड़ो तो भी लोग कहते हैं, साहब एक बात समझ में नहीं आई, अब तक तो जितने लोग आए, मुझे कल ही एक महानुभाव ने कहा, अब तक तो जितने लोग आए सब यहाँ आते हैं, संत लोग यूं यूं आशीर्वाद 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 देते हैं, और आप तो बड़े विचित्र हैं, कोई आपको हाथ जोड़े उससे पहले ही आप तो हाथ जोड़ देते हैं। मेरे भाई, एक संत को इतना तो विनम्र होना ही चाहिए कि एक गृहस्थ व्यक्ति घुटने टिकाकर शीश नमाकर किसी संत को प्रणाम करने का बड़प्पन दिखा रहा है, तो एक संत को इतना विनम्र और महान तो होना ही चाहिए कि कम से कम वो वापस हाथ जोड़कर उसका अभिवादन तो कर ही सके। संत के तो प्रणाम में ही आशीर्वाद छिपा रहता है, संत को तो और भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए। एक गृहस्थ इतना विनम्र है तो संत किस बात की अकड़ रखे, केवल आशीर्वाद ही मत देते रहो, जीवन में प्रणाम करने का सौभाग्य भी लो। आशीर्वाद देने से शायद सामने वाले का कल्याण हो जाएगा, पर आशीर्वाद देने वाले संत का कभी कल्याण ना होगा, पर प्रणाम करने से संत का भी कल्याण होने का सौभाग्य मिल जाएगा। दुनिया में कल्याण प्रणाम करने वाले का हुआ है, आशीर्वाद देने वाले का कभी कल्याण तो नहीं हुआ है। तो इसलिए अपने जीवन में इतनी विनम्रता तो होनी ही चाहिए, ये तो हमारी मजबूरी है जो हम चौकी पर बैठे हैं, बाकी हम जिंदगी में कभी चौकी पर नहीं बैठते, कभी नहीं, सबके साथ समान बैठते हैं, जमीन के जाए हैं, जमीन पे बैठते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कोई ऊपर बैठने से आदमी ऊपर होता है क्या? मुझे कई बार बताते हैं, साहब अमुक वैसे ऊपर बैठ गए, वो आपसे नीचे बैठ गए, ये तो आपका अपमान हुआ, वो आपसे नीचे बैठ गए, वो आपके ऊपर बैठ गए। मैंने कहा कि ऊपर नीचे बैठने को कोई मान अपमान होता है कि देखो वो देखो दीवार पर छिपक ले चलिए, वो मुझसे भी ऊपर है तो कोई मान हो गई क्या? कोई ऊपर नीचे बैठने से आदमी महान और कमजोर होता है क्या? कहीं भी बैठ जाओ ना, जमीन पे ही बैठ जाओ। अरे भाई, अपनी पहचान इतनी रखो कि जिंदगी में मंच पर आने के बाद तुम्हारी इज्जत ना हो, अगर तुम भीड़ में भी बैठे हो तब भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत हो। अपनी पहचान इतनी रखो, जिंदगी अपनी जिंदगी में इतने महान व्यवहार के मालिक बनो कि तुम जहां खड़े हो। कहते हैं एक बार महात्मा गांधी कहीं मंच पर बैठे थे और उन्होंने देखा कि उनके पिताश्री सामने आए हैं, तो महात्मा गांधी नीचे उतर कर आकर जनता में बैठ गए, तो पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा मत कर, सारे लोग तुम्हें देखने आए हैं, तुम मंच पर जाकर बैठ, लोग तुम्हें पहचानेंगे कैसे, मंच पर न बैठेगा कि तुम महात्मा गांधी है। तो गांधी ने कहा, पापा जी आपने अपने बेटे को इतना तो महान बना दिया, वो कितनी भी भीड़ में चला जाए तब भी लोग पहचान लेंगे कि ये महात्मा गांधी। जीवन में विनम्रता रखो, कोई ऊपर बैठने से आदमी ऊपर नहीं होता, ये ऊपर बैठना तो हमारी मजबूरी है। बाकी हम जिंदगी में, पूरी लाइफ में आज तक मुझे नहीं याद कि किसी गृहस्थ के सामने हम कभी चौकी पर पाटे पर कहीं बैठे हों, हमेशा नीचे आसन बिछा कर बैठते हैं। लोग हमें आके पूछते भी हैं, साहब आप आचार्य कब बन रहे हैं? तो हम कहा करते हैं, भाई जीवन में ये आचार्य बनने की कभी इच्छा ही नहीं है, जीवन में बनना होगा तो एक ही काम करेंगे, एक ही पद लेंगे, और वो है बनना होगा तो अरिहंत बनेंगे। आचार्य वाचार्य अपन बनने वाले नहीं है, इतने कम में समझौता अपन करने वाले नहीं है। बनना है तो अरियंत बनेंगे कि जिससे आदमी मुक्त हो जाए, भला वो कौन सा पद कि जिसमें और आदमी ऊंचा उठ जाए। सदा विनम्र रहो, झुक कर रहो, ये हमारी मजबूरी है कि हमें चौकी पर बैठना पड़ता है, बाकी हमें जमीन पर बैठना अच्छा लगता है। केवल प्रवचन के अलावा हमने जिंदगी में आज तक पट्टे पर नहीं बैठे, हम जमीन पर बैठते हैं, साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ हिलते मिलते जुलते हैं। अब आप लोग हैं बड़े होशियार, ये लोग बड़े होशियार होते हैं, पता है हमें कहां बैठाया है? चौकी पर। इसको क्या कहते हैं? चौकी कहते हैं ना, हमें बैठा है चौकी पर, और आप कहाँ बैठे हैं? जमीन पर। आपको पता है जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार कहलाता है, जो जमीन पर बैठे वो जमींदार कहलाता है, पता है आपको? लोग बड़े होशियार होते हैं, ये महाराज के सम्मान के नाम पर आकर उनको चौकी पर बैठा देते हैं, खुद बैठे जमीन पर बैठते हैं, खुद जमींदार बनते हैं, उनको चौकीदार बना देते हैं। सदा सहता विनम्रता, आपके कारण किसी की आंख में आंसू न आए। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो ये धर्म जीवन में जरूर करना कि आपके कारण किसी की आंख में आंसू ना आए। मेरी बहू, अपने जीवन में एक विवेक और रखना, और कोई काम कर पाओ या ना कर पाओ, पर ऐसा काम कभी मत करना कि जिसके कारण आपकी सासू की आंख में आंसू आए। अपने कारण किसी की आंख में आंसू बहाना, इससे बढ़कर पाप दुनिया में और कोई नहीं होता है।
अगर आप भाई भाई हैं तो इतना विवेक रखें, अपने व्यवहार को इतना महान रखें कि आपके कारण आपके भाई की आंख में कभी आंसू ना आए। अगर आप बाप बेटे हैं तो इतना महान व्यवहार रखें मेरे बेटों कि आपके कारण आपके पापा के आंख में कभी आंसू ना आए। अगर आप सास है तो इतना महान व्यवहार जरूर रखें कि आपके कारण आपकी बहू की आंख में आंसू ना आए। अपनी तरफ से, अपनी ओर से हमेशा महान महान व्यवहार के मालिक बनिए। और पहला काम कीजिए, हमेशा झुक के रहिए, ठीक है ना, हमेशा झुक के रहिए, विनम्र बन के रहिए, प्रणाम प्रणम्य भाव से रहिए। लोग ऐसे मिलते हैं, और जी क्या हाल चाल है जी, हाँ जी, हाँ। अकड़ अकड़ के दुनिया में किसकी अकड़ रही है बताओ? कोई बहुत गोरा है तो देखो, कोई महिला बहुत सुंदर है, अब देखो उसकी चाल, लगेगा जैसे हवा में उड़ रही है, उसको बात करने को बुरजने अपने आप को लाड़ सा भी समझे, उसको लगता है ऐसे रहा तो मेरा झाड़ू निकाल दिए, उसको तो ऐसे ही लगता है। कोई थोड़ी सी सुंदर है वो तो हवा में उड़ेगी, कोई थोड़ी सी अमीर है, कभी कभी आपके पांव में महंगी चप्पल आ जाए फिर आप कैसे चलते हैं पता है, खटक खटक करते हैं ना, ऐसा लगता है बस मेरे ही पास चप्पल है, दुनिया में चप्पलें है ही नहीं। छोटा सा कोई ऐश्वर्य इंसान के पास आ जाए तो इंसान अपने आप को क्या 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 समझने लग जाता है, मेरे भाई दुनिया में किसी का धन नहीं रहा, किसी का तन नहीं रहा, किसी का मन नहीं रहा, दुनिया में किसका क्या रहा है, सब चला चली का खेल है। चलिए मैं पूछना चाहता हूं, आप में कौन महिला है जो सबसे सुंदर है, खड़ी हो तो, कौन खड़े होंगे, कोई तो खड़े हो जाओ। अच्छा जरा बताइए कि अगर आप में कोई गोरा है और कोई काला है, दुनिया में दो ही रंग होते हैं, एक गोरा होता है और एक काला होता है, आप में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किसी का अग्नि संस्कार किया है, अंत्येष्टि में गए हैं, कोई है जो शमशान गए हैं किसी का अग्नि संस्कार किया है, कौन कौन है? लगभग सभी लोग होंगे ना, सबने किसी ने किसी को तो तूली लगाई होगी। अगर आपने तूली लगाई है तो आपने कभी शमशान गए हैं आप भाई साहब, वो आपके पीछे और उनके पीछे जो भाई साहब खड़े हैं वो खड़े हो जाए, हाँ खड़े हो जाइए, घबराइए मत, एकमात्र हमारा ही ये मंच है जहाँ पर आम इंसान को खड़ा होने का और मंच बनाने का मौका मिलता है, बाकी तो 11,000 रुपये दो तो मंच बनाने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ तो सब समान है भाई, हम तो यही सोचते हैं संत के यहाँ तो सब समान होना चाहिए, अमीर आदमी तो कहीं भी जाएगा सम्मान पालेगा, पर संत के द्वार तो ऐसे होने चाहिए जहां पर गरीब को भी पूरा सम्मान मिल सके। कम से कम संत का द्वार तो, अगर संत के यहां भी अमीर रहेगा मंच पर और गरीब रहेगा जमीन पर, तो बेचारे गरीब लोग मान सम्मान और प्रेम पाने के लिए कहां जाएंगे? तो जरा बताइए कि अगर आप कभी शमशान गए हो तो आपने कभी काले को भी जलाया होगा और कभी गोरा गोरे को भी जलाया, जरा बताइए काले आदमी को जलाया तो उसकी राख कैसी हुई? काली हुई। और मुझे याद है गोरे आदमी को जलाया तो उसकी राख गोरी गट हुई, है ना, ऐसा नहीं? मैं कभी शमशान नहीं गया हूं, मैं कभी अंत्येष्टि स्थल पे जीवन में कभी शमशान जाने का काम नहीं पड़ा, मैंने किसी चिता को तूली नहीं लगाई, मैंने किसी का अग्नि संस्कार नहीं किया, किसी को तूली नहीं लगाई। पर आपने अगर लगाई हो तो आपको पता हो काले आदमी को जलाते हैं तो राख कैसी होती है, हैं कैसी होती है? काली। और गोरे आदमी को जलाया जाए तब भी राख काली होती है। जब राख के स्तर पर सब की एक ही खाक होने वाली है तो क्या तो गोरे का अहंकार और क्या काले की हीनता, है ना, विराजिए प्रभु, क्या तो गोरे का अहंकार क्या काले की हीनता। रंग सब आरोपित रंग होते हैं मेरे भाई, रंगों के आधार पर दुनिया में कोई आदमी महान नहीं बनता। हाँ जी ये बहुत गोरे हैं, ठीक है ये बहुत गोरे हैं, एक दिन देख लो, दो दिन, हाँ बहुत सुंदर है सा, बहुत सुंदर है, पतो लागियो, हाथ जुड़ना के वहां तो हाथ जुड़े को नहीं, प्रणाम करे को नहीं, कोई सामने मिले तो हमेशा अकड़ रहे, जब देखो तब गुस्सा करने को तैयार है, हमेशा आंखें लाल ही रखते हैं, हमेशा जवान कड़वी रखते हैं, अब उस गोरे का करोगे क्या बताओ? तो गोरा रंग दो दिन अच्छा लगता है, याद रखिएगा मेरी प्यारी बहनों, गोरा रंग दो दिन अच्छा लगता है, ज्यादा धन दो महीने अच्छा लगता है, पर जिंदगी भर तक जो अच्छा लगता है वो आदमी का अच्छा व्यवहार होता है, जिसके साथ जिंदगी भर तक जिया जा सकता है और वो जीवन भर आदमी को सुकून देता है। गोरा रंग अच्छा तो लगता है, दो दिन अच्छा लगता है, ठीक है गोरे हैं गोरे हैं, गोरी है गोरी है, और अगर अधिक पैसे वाला है तो एक महीना अच्छा लगता है, बहुत अमीर है बहुत अमीर है, पर जिंदगी धन के साथ नहीं, जिंदगी अगर जी जाती है तो आदमी के अच्छे व्यवहार के साथ जी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि अपने जीवन में विनम्रता के गुण को जोड़ लो, अपने जीवन में विनम्रता के गुण को जोड़ लो, ज्यादा साजो श्रृंगार मत किया करो।
लोगों की आदत होती है लिपस्टिक लगाना, चिपस्टिक लगाना, ये करना वो करना, पता नहीं दुनिया में आज तक। अच्छा बताओ, लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर लगता है क्या? बताइए, लगता है क्या? और अगर लगता होता तो ये पुरुष नहीं लगा लेते? अगर लिपस्टिक होठों पर लगाने से आदमी का चेहरा सुंदर लगता होगा तो क्या लिपस्टिक नहीं लगा लेते? पुरुषों में थोड़ी सी अक्ल होती है, ऐसा नहीं महिलाओं में नहीं होती है, वो तो भंडार होती है, पर पुरुषों में थोड़ी सी अक्ल होती है और उनको मालूम है ये लगाने से बड़ा बूंदापन लगता है। पर पता नहीं हम लोग, अभी हम अजमेर में थे पिछले वर्ष, तो एक जगह कार्यक्रम था पर्यूषण के बाद सत्संग का, तो उन्होंने वो मिल्क रोज बनवाया था वहां पर। क्या बनवाया था? मिल्क रोज बनवाया था। तो मिल्क रोज का जो मसाला आया होगा, जो भी उसमें डालते हैं ना, तो वो थोड़ा कम पड़ गया तो दूध ज़्यादा बच गया। तो उन्होंने कहा साहब वो मिल्क रोज का वो लेने के लिए किसी को भेजने लगे। मैं कहा छोड़ो ना, महिलाओं के लिए सादा दूध रख दो, पुरुषों के लिए मिल्क रोज रख दो, ठीक है ना? महिलाओं के लिए सादा दूध रख दो, पुरुषों के लिए मिल्क रोज। कहा साहब बहुत बूंदा लगेगा, ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, महिलाएं जब तक ये कि वो मिल्क रोज ही हो जाएगा, क्योंकि सब लिपस्टिक लगा के ही आती है, वो अंदर जाएगा तब तक मिल्क रोज का रूप ही लेके जाएगा। एक महिला को बड़ा सजने धजने का बड़ा शौक था, जब देखो तब बन ठन के रहने का, ये वो पता नहीं क्या क्या करती थी। पति उसे रोज टोकता कि मत करिए, तो क्या करती है, जब देखो तब ये, कभी ये लगाना, कभी वो लगाना, कभी वो लगाना, रोज के 2-4 घंटे उसी में पूरा करना, पर वो मानने को कहां तैयार। बेचारा पति समझा कर हार गया। एक दिन किसी शादी में बोली सज धज के गई थी, कोई 55 साल की उम्र रही होगी, तो भी वही शौक, बस वही लगाना करना और वही सब। तो कोई शादी में गई होगी तो वो किसी कुर्सी पर बैठी थी, तो उसने देखा कि एक आदमी लगातार उसे ही देखा जा रहा है, उसे ही देखे जा रहा है। 15-20 मिनट हो गए वो लगातार वो आदमी उसे देख रहा है, तो उसे लगा लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर बन के आई हूँ, उसे लगा आज मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर नजर आ रही हूँ। तो उसने अपने पति को बुलाया, देखो तो सही आज मैं कुछ ज्यादा सुंदर नजर आ रही हूँ क्या? वो आदमी है ना, वो आधे घंटे से लगातार मुझे देख रहा है, लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर बन के आई हूँ। तो पति ने कहा बेवकूफ तुम्हें नहीं मालूम, वो है कबाड़ी और पुरानी चीजें देखने का आदी है, वो कबाड़ी है और पुराने आइटम देखने का आदि है। आदमी का श्रृंगार, आदमी का सौंदर्य नहीं होता। मुझे कोई पूछे जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार क्या होता है, अगर आपके पास कागज हो तो नोट कर लो, और नोट कागज ना हो तो नोट पर नोट कर लो कि आदमी का सबसे सुंदर श्रृंगार उसकी सादगी होती है। सादगी से बड़ा श्रृंगार दुनिया में और क्या होता है, विनम्रता से बड़ा व्यवहार दुनिया में और क्या होता है। इसलिए जीवन में अगर जोड़ कर रख सको तो ये पहला गुण अपने जीवन में जोड़ कर रखना, वो है सदा विनम्र रहना, कभी अकड़बाजी मत करना। अमीर हैं पर आप दुनिया को तब ज़्यादा अच्छे लगेंगे जब आप विनम्र रहेंगे। आप ज्ञानी हैं पर आप दुनिया को तब ज़्यादा अच्छे लगेंगे जब आप विनम्र रहेंगे। हम लोग एक बार जयपुर में थे, वहाँ के दशहरा मैदान में हमारी प्रवचन माला थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हमसे मिलने के लिए आए थे, चंद्रप्रभु जी महाराज को कोई चर्चा करनी थी तो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आए थे। तो करीबन 11 बजे का समय था, मैदान से अपने स्थानक उपाश्रय में आए थे, बैठे ही थे, तो हमें पता भी नहीं लगा एक महानुभाव बूढ़े से आए, तो हमने कहा ठीक है दादाजी कुर्सी पे विराज जाइए। वो कुर्सी पे बैठ गए, हम लोग अपनी बातों में लग गए और जो श्रावक श्राविकाएं आए थे मिलना जुलना बातें चीतें चलती रही। 1.5 घंटे तक वो दादाजी चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे, चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। जब सब लोग चले गए तो वो उठ के चंद्रप्रभु जी महाराज के पास आए और आकर कहा महाराष्ट्री जी आपने मुझे याद किया था। तो हम चौंके, हमने कहा मतलब आपका शुभ परिचय, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हूँ, मुझे कहलाया गया कि आप मुझे याद कर रहे हैं। हम हतप्रभ रह गए कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है उसके भीतर इतना धीरज है कि वो 1.5 घंटा एक कुर्सी पर किनारे आराम से बैठा है कि सब लोग चले जाएंगे तो मैं धीरजता से बात कर लूँगा। मैं समझता हूँ उनके उस पद को तो हमें प्रभावित नहीं किया कि वो किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है, लेकिन उनकी इस विनम्रता को हमने ज़रूर प्रभावित किया हमें कि वो आदमी कितना विनम्र है कि 1.5 घंटा शांति से बैठा रहा और उसके बाद भी उसके चेहरे पर कोई सिकंद भी नहीं आ रही है, कोई तनाव भी नहीं आ रहा है कि आपने मुझे बुलाया और 1.5 घंटा किनारे बैठा दिया, बड़े प्रेम से शांति से आई, महाराज जी आपने मुझे याद किया था, सेवा फरमाई। दिल में जगह बनाई जाती है, अपने आप बनती नहीं है, और वो बनाने के लिए आदमी को कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ता है, वो बनने के लिए आदमी को कोई ना कोई महान व्यवहार से गुजरना पड़ता है। इसलिए मैंने पहला निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो है हमेशा विनम्र रहो। घर में कोई मिलने वाला आया है ना, हाँ कहीं काम है बोलो, नहीं जाते ही बाहर आए आते ही पहले मुस्कुराइए, मुस्कुरा के हाथ जोड़िए, और उसके हाथ में अगर कोई सूटकेस या थैला है तो अपने हाथ में लीजिए, कहिए पधारिए साहब
घर पे किसी मेहमान को लेने का तरीका क्या है? वो घर पे आए, आप बैठे ही हैं। कई बार आप देखते होंगे तीन बेटियां घर में हैं, घर में बैठी गप्पे मारी है, पापा जी ऑफिस से निकल के हाथ में सूट केस है, जूते खुद खोल रहे हैं, सूट केस लिए अंदर आ गई। पर जैसे ही आपको पता लगे कि पापा जी बाहर आए हैं, झट से खड़े होइए, गेट पे जाइए, मुस्कुराइए, प्रणाम कीजिए, हाथ से सूट केस लीजिए, पापा जी को सम्मान से अंदर लाइए। ये एक मिनट का आपका विनम्रता भरा व्यवहार है जो दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बनाता है। घर में कोई मेहमान आया, समझिए कि आप इस समाज की मीटिंग में बैठे हैं, समझिए आपको इस समाज की मीटिंग में बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं। तभी थोड़ा एक आदमी विलंब से आया, तभी एक आदमी विलंब से आया और वो आ रहा है, तो ऐसे ही मत बैठे रहिए, ठीक है, आके बैठ जाएगा। अगर आप में से जो जो व्यक्ति महान व्यवहार के मालिक बनना चाहते हैं और वो आने वाले आदमी को अपना बनाना चाहते हैं, आप खड़े होइए, उसके लिए दो कदम आगे जाइए और जहां पर आप बैठे थे उसको वहां पर बैठाइए। क्या कीजिए, आप खड़े होइए, दो कदम आगे जाइए और जहां पर आप बैठे थे उसे बैठाइए और आप पीछे बैठ जाइए। आपका कुछ न घटा, पर याद रखना मीटिंग में आप जो भी बात उठाएंगे वो आदमी उसका समर्थन करेगा करेगा करेगा, शर्त या करेगा। आप मीटिंग में जो भी बात उठाएंगे, बाकी 19 लोग समर्थन करें या ना करें, पर जिसके सम्मान में खड़े होकर आप चले गए, आप उसके दिल में उतर गए, दिल में राज करने लग गए और वो आपका सम्मान कहां सा, बिल्कुल सही है ये जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अपनी जगह उसको दी। ये जो व्यक्ति का विनम्रता भरा महान व्यवहार होता है, जैसे संत हैं, हमने पता है संबोधि धाम में हम जब रहते हैं तो हमने एक व्यवहार बना रखा है, वैसे औसतन नियम होता है साध्वीगण साधुजनों को प्रणाम करती है, उनके सम्मान में जाती आती है, पर हमने एक अच्छा सा व्यवहार बना रखा है। कोई भी संत साध्वी, चाहे वो स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मंदिर मार्गी हो, दिगंबर हो, या इससे भी हटकर क्यों ना हो, पर संबोधि धाम में कोई भी आते हमें खबर लगती है, हम दरवाजे तक उन्हें लेने के लिए जरूर जाते हैं, विनम्रतापूर्वक, मुस्कान पूर्वक। अगर कोई साध्वी भी है और उनके हाथ में कोई पात्र भी है तो हम अपने हाथ में जिद करके लेते हैं। चलना 100 कदम है, वो तो 20 किलोमीटर चल के आई है, हमें तो अब 100 कदम चलना है, पर उसके पात्र को अपने हाथ में लेते हैं, लेकर वहां तक आते हैं, सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाते हैं। आप क्या सोचते हैं, संबोधि धाम बहुत सुंदर है, दुर्गा सुंदर है, 1000 जगह से संबोधि धाम बन जाएंगे। आदमी बाहर जाता है ना, वो संत साध्वी, उन्हें संबोधि धाम याद रहे या न रहे, पर वो महान व्यवहार जरूर याद रहता है कि एक संत जिनका नाम चलता है देश में, वो छोटी सी साध्वी भी आई तो उसके सम्मान में लेने के लिए गए, और अगर वो वापस जाती है तो हम दरवाजे तक उसको छोड़ने जरूर जाते हैं। अगर आपकी बेटी भी आपके घर में आ रही है तो सम्मान के लिए दरवाजे पे खड़े रहिए, और जब वो वापस जा रही है तो बैठे बैठे मत कहिए, हाँ ठीक है बेटा, हाँ आना बेटा, दरवाजे तक छोड़ने जाइए, सम्मान पर उसको टैक्सी में बैठाइए और जाते समय मुस्कुराते हुए कहिए, बेटा मैं तुम्हारी इंतजारी करूंगा। मीठी यादें छोड़िए जाते समय और मीठा उपहार दीजिए आते समय। कोई हमारे घर पर आया है तो उसे मधुर उपहार दीजिए और जाते समय अपनी मीठी यादें दीजिए उसकी जिंदगी में, ताकि वो चला भी जाए, हाँ भाई याद रहे आपका व्यवहार, विनम्रता व्यवहार, प्रेम भरा व्यवहार, विनम्रता का व्यवहार। मेरे भाई किस बात की अकड़ रखे हम जिंदगी में, आज तक न समझ पाए। एक दिन हम जा रहे थे शहर को, एक दिन हम जा रहे थे शहर को, इधर शमशान था और उधर कब्रिस्तान था। एक दिन हम जा रहे थे शहर को, इधर शमशान था और उधर कब्रिस्तान था। मेरे पांव से एक हड्डी को ठोकर लगी, और ठोकर लगी हड्डी ने पांव से, चिपक कर कहा, रे इंसान थोड़ा संभल कर चल, मैं भी एक दिन इंसान था। दुनिया में किसकी अकड़ रही है, किसके अहंकार रहा है, किसका ईगो रहा है, इसलिए दुनिया में वे लोग कभी ना पूजे गए जो सीना तान कर खड़े रहे, जिंदगी में वे लोग ना पूजे गए जो अहंकार में डूबे रहे, जिंदगी में दुनिया में वे लोग पूजे गए जो हमेशा प्रणाम में बने रहे। पहली आदत डालो जीवन की, हाथ जोड़ने की आदत, एक बार जोड़िए तो हाथ, अच्छा लगता है। अपन सब लोग आपस में प्रणाम करते ना, जब भी कोई किसी से मिले, प्रणाम साहब, नमस्कार साहब, प्रणाम साहब, ये जो विनम्रता होती है ना, आप एक बार प्रणाम कीजिए तो जैसे आप प्रणाम करेंगे तो चेहरे पे मुस्कान आएगी। बोली तो मुंह से प्रणाम साहब, चेहरे पे क्या आई है? ऐसे नहीं कहते प्रणाम साहब, प्रणाम साहब, प्रणाम साहब, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। और वो प्रणाम बड़ा बूढ़ा लगता है, प्रणाम बड़ा बूढ़ा लगता है, प्रणाम साहब, ऐसे लगता है यार ये जूते मार रहा है, प्रणाम कहां कर रहा है। प्रणाम, प्रणाम यानी मुस्कान, प्रणाम साहब,
यानी हमारी विनम्रता ने हमारे चेहरे के सौंदर्य को बढ़ा दिया। जैसे ही सामने वाला हमें देखेगा, हम झुक कर वापस खड़े होंगे, प्रणाम करके वापस खड़े होंगे कि तय मान कर चलिए, वो उसकी जो विनम्रता है, हमारी जो विनम्रता है, हमारे चेहरे पे मुस्कान भी लेकर आएगी, उसके दिल में जगह भी बनाएगी। प्रणाम सा, कोई अहंकार वहंकार मत रखिएगा। अगर आप बड़े पद पर हैं तो पीछे जाके बैठिएगा, ताकि लोगों के दिलों में और राज करेंगे कि यार कितना बढ़िया आदमी है, समाज का अध्यक्ष है, पर कभी आगे नहीं बैठता, जनता के बीच ही जाके बैठता है। कोई ऊंचे नीचे आगे पीछे बैठने से आदमी बड़ा छोटा थोड़ी होता है। मैं तो जब जब भी आसमान को देखता हूं तो मेरे भीतर से आवाज आती है, अरे ललित प्रभ तो किस बात का अहंकार करता है, सबको एक दिन ऊपर जाना है। जब जब आसमान को देखता हूं तो भीतर से आवाज आती है, रे भाई तू किस बात का अहंकार करता है, सबको ऊपर जाना है। और जब जब जमीन को देखता हूं तो भीतर से आवाज आती है, किस बात का अहंकार करता है, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। आदमी किस बात का अहंकार करे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। मैं देखा करता हूं दुनिया में कई तरह के बड़े होते हैं, मिर्ची बड़े, सांभर बड़े, दही बड़े, दाल बड़े, और नाम सुनाओ तो कांजी बड़े, और हैं आलू बड़े, कई तरह के बड़े होते हैं। मैं मानता हूं अगर हम लोग मिर्ची कम खाते हैं या नहीं खाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, काम पड़ने पर मिर्ची बड़ा भी हजम हो जाएगा, दही बड़ा भी हजम हो जाएगा, कांजी बड़ा भी हजम हो जाएगा, इंसान और हमारे घर में सारे बड़े हजम हो सकते हैं। पर एक बहुत अलग तरह का बड़ा होता है, कांजी बड़ा, दही बड़ा, मिर्ची बड़ा के अलावा एक बड़ा होता है, मैं बड़ा। ये जो मैं बड़ा होता है ना, हजम नहीं किया जा सकता, इसे पचाया नहीं जा सकता। और ये मैं बड़े वाली आदत को अपने जीवन से हमें निकालने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने पहला निवेदन किया, अपने जीवन में कौन से गुण को जोड़िए, प्रणाम सा, हाँ सा, हुक्म फरमाओ सा, अपने जीवन में सदा सहायता रखिए। जैसे सुबह आँख खुलती है ना, आप में कौन कौन व्यक्ति जो अपने पत्नी के पास होते हैं रात को, हाथ खड़ा करो तो। अरे वाह, शाबाश इंडिया, मान गए उदयपुर में सबको महाराज बना दो बोली। अच्छा आप अगर छोड़िए तो सुबह उठते हैं आप क्या करेंगे बताइए, क्या करते हैं भाई साहब, आप शादीशुदा हैं, आपके बगल वाले, हाँ खड़े हो जाइए, तो आपने हाथ खड़ा ही नहीं किया शादी से। अच्छा आप दादी मास के पास होते होंगे, ठीक है, तो जरा बताइए कि सुबह उठते ही आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, इधर आइए, आगे आ जाइए, घबराइए मत, घबराओ मत, मैं आपका फोटो नहीं उतारूंगा, वो ये सब काम इसका है। अच्छा जरा बताइए कि आप सुबह उठते ही क्या करते हैं, है? नौकार मंत्र का फिर एक काम किया करो, बहुत सुखी रहोगे, और जब मैं आपको कान में कहूंगा आप सबके कान में कह देना, और बात इतनी सी है, जैसे ही सुबह आंख खुले तो पास में आपकी पत्नी होती है ना, उसको बोला करो महालक्ष्मी प्रणाम, है करके देखना, ऐसे वो आपको प्रणाम नहीं करती, सुबह उठती है हाँ उठो उठो उठो, बिस्तर इकट्ठे करते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ नहीं करती है, पर आप जैसे कहेंगे महालक्ष्मी प्रणाम तो वापस क्या करेगी। अच्छा जरा बताइए आपके पति आपको सुबह उठ के कहेंगे महालक्ष्मी प्रणाम तो वापस क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रणाम। प्रणाम का जवाब हमेशा प्रणाम में मिलता है, तो अपनी तरफ से ये बड़प्पन दिखाइए और कहिए महालक्ष्मी, ठीक है। आपकी पत्नी इसमें है क्या, इनकी पत्नी आई है, खड़े होइए, तो जो हो वही खड़े होइएगा, देखो आई है क्या आपकी पत्नी, आई है, तो उधर मुंह करके कह दो महालक्ष्मी प्रणाम। या चलिए एक बात बताइए बहन जी, आप सुबह उठकर शायद, एक मिनट शर्म मत करिए, शर्म की क्या बात है, अपन हम कोई प्रवचन देने नहीं आए हैं, हम तो घर के परिवार के मेंबर बन के आए हैं, जीवन की बात है, इसलिए कोई गलती हो जाए तो गलती नहीं, कोई खास हो जाए तो खासियत नहीं है, अपन तो घर के मेंबर बनकर आए हैं, एक परिवार के सदस्य बनकर जीवन को बदलने की बातें कर रहे हैं, हम कोई शास्त्रों की बातें तो कर नहीं रहे। तो जरा बताइए कि अगर आपके पतिदेव सुबह उठकर आपको प्रणाम करेंगे तो आप वापस क्या करेंगे, प्रणाम ही करेंगे ना, तो तय मानकर चलिए। और जब आप दोनों आपस में प्रणाम करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रणाम क्या होगा, यानी अगर सुबह उठकर आपस में एक दूसरे को आपने प्रणाम किया तो परिणाम ये निकल कर आया कि दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। और याद रखिए, जिस घर में सुबह की शुरुआत मुस्कान से और प्रणाम से होती है, उस घर में दिन भर विनम्रता और मुस्कान बनी रहती है। जिस घर में हर सुबह की शुरुआत प्रणाम से होती है, विनम्रता से होती है, अरे मेरे भाई मैं मानता हूं कि बच्चों में अब यह विवेक नहीं रहा कि वो अपने बड़ों को प्रणाम करे, तो बड़े अब वापस झुकना शुरू करें और सुबह उठते कहो बेटा प्रणाम, बेटे के बाप को वापस प्रणाम करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके बेटा है ना, उसकी आदत अभी तक नहीं है धोख लगाने की,
लग गई, हाँ यहाँ आ गए होगा परसों, ठीक है। तो आप एक काम क्या करो, अगर उसकी आदत नहीं है तो एक काम क्या करो, बेटा प्रणाम, तो क्या करेगा वो, पापा प्रणाम। हमें विनम्रता का व्यवहार अपना बढ़ाना होगा ताकि सामने वाले की विनम्रता हम अपने ओर से पा सके। विराजिए प्रभु, वैसे आप मुझे पसंद आ गए, पर आपने किसी और को पसंद कर रखा है। अपनी सुबह की शुरुआत, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर में उम्र के बराबर हैं, भले ही छोटे भी क्यों न हैं, प्रणाम करने में संकोच मत करिए। अरे आशीर्वाद देना बहुत सरल है, पर प्रणाम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप में थोड़ा बड़प्पन है तो अपने शिष्य को भी, बेटा प्रणाम, तुम्हारी आत्मा को प्रणाम। हो सकता है जिस शिष्य को आप जीवन भर आशीर्वाद ही आशीर्वाद, आशीर्वाद ही आशीर्वाद देते रहे, हो सकता है उस शिष्य में कोई तीर्थंकर की आत्मा भी समाई हुई हो, और आप उस तीर्थंकर को केवल आशीर्वाद देते रहे, आप ये सौभाग्य ही नहीं पा सके कि कभी उसको प्रणाम भी कर सके। शांति प्रिय जी प्रणाम। अपने जीवन में ये बड़प्पन रखो कि परस्पर एक दूसरे को प्रणाम और विनम्रता का भाव ला सको। ये आदमी के व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और आदमी के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कोई पहलू है तो वो यह है, अपने जीवन में हमेशा प्रेम और उदारता को समायोजित करके रखो। अपनी जिंदगी में हमेशा प्रेम और उदारता को समायोजित रखो। जितना अपनी तरफ से उदार बन सको, जितना अपनी तरफ से प्रेम को संजो कर रख सको, अपनी जिंदगी में प्रेम और उदारता के भाव को उतना ही संजो कर रखिए। सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इस बात को छोड़ दीजिए, पर आप अपने द्वारा हमेशा अच्छा बड़ा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। देखिए उदारता का व्यवहार कैसे करें, जैसे आप घर की बहू हैं, सास के दिल में राज कैसे करें। वैसे तो मैं 10 साल का महाराज बना हूं, इसलिए मैं जानता नहीं हूं दुनियादारी क्या होती है, पर मैंने कुछ टिप्स तो सीखे हुए है ही है। और मैं आपको बता दूं सासू के दिल में राज कैसे करें। आपके पीहर से नई साड़ी आई, अब मैं दूसरा चरण बता रहा हूं हमारे व्यवहार को महान बनाने का। आपके पीहर से साड़ी आई, आते ही एक काम कीजिए, सासू मां को दीजिए, मम्मी जी ये नई साड़ी आई है आप पहनेंगे। क्या कीजिए, ये नई साड़ी है, नहीं नहीं बेटा तू पहन, नहीं मम्मी, नहीं नहीं बेटा तुम्हारे पियर से आई तो क्या हुआ, मम्मी इस साड़ी को पहले तो आप ही पहनेंगी। जिद करके वो साड़ी पहना दीजिए। क्या एक दिन सासू माँ की वो नई साड़ी पहनकर मंदिर जाने से आपके पियर की साड़ी फट गई, घिस गई, खराब हो गई, मैली हो गई, कुचैली हो गई, गंदी हो गई, नहीं हुई ना। पर याद रखना, उस साड़ी ने और उसके व्यवहार ने सासू माँ के दिल में आपकी जगह बना दी। मेरी बहू कितनी प्यारी है, मेरी बहू कितनी प्यारी है, कर सासू माँ के अंदर गजरे भी होंगे ना तो वो देने में कोई भी संकोच नहीं खाई और निकाल कर आपको दे देगी। अगर सोने के गजरे होंगे, गजरी कहते हैं ना उसको, पाटले क्या कहते हैं वो, गजरे पाटले, तो वो भी आपको निकाल कर दे देगी। इस हाथ दो और उस हाथ लो, सीधा साधा व्यवहार है भाई। जैसा हम अपने द्वारा व्यवहार में पेश आएंगे, वापस हमारे साथ वैसा ही व्यवहार दोहरा दिया जाएगा। इसलिए पहली कोशिश वो हमेशा उदारता का व्यवहार हो। जैसे समझिए आपके पड़ोसी से आपके अनबन है, आपके पड़ोसी की आपसे अनबन है, बोलचाल बंद हो गई है, कुछ मत कीजिए। अभी जब बरसात आएगी ना तो आप घर में पकौड़े बनाएंगे ना, हैं पकोड़े, समझते हैं ना, पकोड़े बनाएंगे। तो एक काम कीजिएगा, इस बार जब घर में पकोड़े बनाएं तो एक प्याले में 8 पकोड़े डालिएगा और डालकर पड़ोसी के घर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। 8 पकोड़े डालिएगा, पड़ोसी के घर पे भेजिएगा, और वो पड़ोसन जैसे आपका बच्चा पकोड़े देके जाएगा, हाँ मुझे दिखाती है कोई पकौड़े भेजे, ऐसे तो लड़ती है, ऐसे करती है, और वो भीतर से चिंगाड़ेगी थोड़ी सी, है भीतर से खींच खाएगी, जैसे आपका बच्चा पकौड़े लेके जाएगा, ऐसे तो लड़ती है पकौड़े भेजे, ये लेकिन आखिर वो पकोड़े रख लेगी तो खा भी लेगी, और खा भी लेगी तो दुनिया में कोई पड़ोसी पड़ोसी का एहसान रखता है क्या, नहीं रखता है ना। तो जो रिश्तों में दरार थी वो मिठास में कैसे बदली, और जैसे ही पकोड़े गए 3 दिन के बाद उसके पीहर से पकवान आया, अब वो पड़ोसी क्या करेगी, आपने क्या भेजे थे प्याले में, पकोड़े। लेकिन याद रखना, इस हाथ दो और उस हाथ 10 गुना लो, और अगले 3 दिन के बाद जहां जिस प्याले में पकोड़े गए थे उसी प्याले में पकवान आपके घर पर लौट कर आएगा। उदारता भरा व्यवहार। आप में ऐसी कौन महिला है जो सासू माँ है, कौन है, अधिकांश आधी सासू हैं आधी बहुएं हैं, तो जरा बताइए कि ऐसी महिला होगी ना जिसके बेटी भी है और बेटा भी है, बेटी भी शादीशुदा है, बेटा भी शादीशुदा है। और समझिए मैं बहुत, आप इसको बड़ा मनोवैज्ञानिक लीजिएगा, आपको पता लगेगा मैं कितनी गहरी बात कह रहा हूं। देखिए घर में सासू माँ है और बहू है, गर्मी की छुट्टियां थी,
गर्मी की छुट्टियां थी, गर्मी की छुट्टियों में आपकी बेटी मिलने के लिए घर पे आ रही थी अपने बच्चे के साथ, और उधर आपके बहू के पियर में उसका भाई विदेश से आ रहा है, उधर बहू का भाई अपने उसके पियर में विदेश से आ रहा है, तो बहू क्या चाहेगी, मैं कहां जाऊं, और सास क्या चाहेगी, यहीं रहे। देखिए हुआ ना विरोधाभास, अंदर में बहू चाह रही है कि मैं जैसे तैसे गोटी फिट करके कहां जाऊं, पियर जाऊं, मेरा भाई परदेश से जो आ रहा है, मेरा भाई परदेश से आ रहा है, और आप क्या चाहेंगे सासू माँ, अरे भाई बेटी आ रही है, उसका बच्चा आ रहा है, कौन संभालेगा, तुम पियर चली गई तो, और आप चाहेंगे किसी हालत में पियर न जाए। अपनी तरफ से एक उदारता भरा व्यवहार कीजिए, और अपनी बहू से जब वो सुबह उठकर प्रणाम करने आए ना, तो कहना बेटा मैंने सुना है तुम्हारे पियर में तुम्हारा भाई आ रहा है 10 दिन के लिए, बेटा ध्यान रखना जय जब भी वो आ रहे हो ना, 2 दिन पहले पीहर चले जाना, और आराम से 7 दिन रहना, इधर की चिंता मत करना, ननन की भी चिंता मत करना, दीदी की चिंता मत करना, वो इसी घर की मेंबर है, आएगी हम सब मिलके घर को चला लेंगे, तेरा भाई 2 साल से परदेश से आ रहा है तो 10 दिन पीहर रह के आ जाना। जरा बताइए आपका कुछ खास घिस्सा, पर एक बात बताऊं, एक सास के द्वारा डायमंड सेट देने से बहू के दिल में जो जगह बनती है उससे 100 गुनी जगह इस व्यवहार से बन जाएगी। डायमंड सेट देने से भी जो दिल में जगह बनती है उससे 100 गुनी जगह आपके व्यवहार से बन जाएगी। बेटा कोई दिक्कत नहीं, समझिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मकान बनाने आया, खाली प्लॉट था, मकान बनाने आया, मकान बनाया तो ईंट चूने पत्थर सभी चीज लगेगी ना, मकान बनाने अगर आया है तो ईंट भी लगेगी, चूड़े ईंट लकड़ लोहा सरिया सारी चीजें लगेगी, बजरी सब लगेगी, और लगेगी तो उसका थोड़ा सा भाग आपके घर के आगे भी आके गिरेगा ना, वो बेचारा प्लॉट पर तो सब कुछ डालेगा नहीं, प्लॉट के बाहर डालेगा, तो थोड़ी बजरी थोड़ा लोहा थोड़े पत्थर थोड़े कंकर थोड़ी कंक्रीट आपके घर के बाहर आएगी, उड़ उड़ के घर में आई, आप कहेंगे यार ये कोई मकान बना रहा है कि फजीयत खड़ी कर रहा है, और आप हो सकता है उसको कहने भी जा सकते हैं भाई साहब आप कर क्या रहे हो, मकान बना रहे हो, हमारे मकान की फजीयत खड़ी कर रहे हो। इसकी बजाय एक महान व्यवहार कीजिए, याद रखिए उसका मकान तो 1 साल में बन जाएगा, पड़ोसी का मकान तो 1 साल में बन जाएगा पर वो पड़ोस में 100 साल तक रहेगा, है ना, उसका मकान तो 1 साल में बन जाएगा पर वो पड़ोसी 100 साल तक रहेगा, और जब वो 100 साल तक पड़ोसी रहेगा तो 1 साल वाला व्यवहार मत कीजिए, जो 99 साल काम आए वो वाला व्यवहार कीजिए, और आप उसके घर जाइए उसके प्लॉट पर जाइए, कहिए भाई साहब आप हमारे बगल में मकान बनाए हैं अच्छी बात है, पर हमारी कुछ शर्त है, आप हमारे बगल में मकान बना रहे हैं हमारी कोई शर्त है, वो चौंकेगा तो चौंकते कहिए भाई साहब इस पूरे मकान में ईंट आपके लगेगी, चूना आपका लगेगा, सीमेंट आपके लगेगी, लोहा आपका लगेगा, बजरी आपके लगेगी, कंक्रीट आपके लगेगी, सरिये आपके लगेंगे, पर मकान में पानी हमारा लगेगा, ठीक है, हमारे घर से आप पानी की एक लाइन जोड़ लीजिए और आराम से पूरा मकान बना लीजिए, पानी तो घर में फ्री में आता है ना, वो नल का कनेक्शन लिया हुआ होगा क्यों जी, पानी कहाँ से आता है आपके घर, वो नल का कनेक्शन लिया होगा तो पानी फ्री में आता है, आप चाहे आधा लो कि पूरा लो, बिल तो आपने तो बिल सेटिंग कर रखी होगी ना लगभग सब लोगों ने, वो सेटिंग कर रखी होगी कि महीने का फिक्स वही बिल आता है, ऐसे कुछ लोगों के घर में रहता है ना, मुझे पता नहीं है, अगर नहीं रहता तो बता दो, मैं तो 10 साल का महाराज बना हुआ हूँ, तो वो पानी का तो फिक्स रजिस्टर्ड बिल आता है वही 80 रुपया महीना कि 40 रुपया महीना कि 70 रुपया महीना, पड़ोसी को आप पानी दीजिए साल भर में उसका मकान खड़ा हो जाएगा, वो जीवन भर याद रखेगा इस मकान में एक एक बूंद पानी किसका लगा है, एक एक बूंद पानी पड़ोसी का लगा है, वो जीवन भर याद रखेगा कि इस मकान में एक एक बूंद पानी पड़ोसी का लगा है। 2 साल के बाद आपकी दादी सा की तबीयत बिगड़ गई, घर में कार नहीं थी, आपको उनको अस्पताल ले जाना था, और आपको सबसे पहले कौन याद आएगा, पड़ोसी, आप पड़ोसी के पास जाके कहेंगे भैया थोड़ा दादी सा की तबीयत बिगड़ गई अस्पताल ले जाना, कार निकाले तो वहां कहेगा कि ना कहेगा, ना कह सकता, कार निकाल के बाहर लाएगा, दादी साहब को आप लेके अस्पताल जाएंगे, वापस कोई चीज भूल गए घर पे लेने आएंगे, 4 चक्कर वो काटेगा पर चेहरे पर जरा से भी सिकन नहीं लाएगा, याद रखिए आपने उसके लिए क्या बहाया था, क्या बहाया था, मकान बना था पानी बहाया, इस हाथ दो और इस हाथ 100 गुना लो, आपने उसके लिए पानी बहाया और उसने आपके लिए पेट्रोल बहा दिया, इसे कहते हैं आदमी के छोटे से व्यवहार का परिणाम। आपने उसके लिए क्या बहाया, क्या बहाया था, पानी उसका मकान बनते समय, पर उसने वापस अपने ओर से बड़प्पन दिखाया और आपके लिए पेट्रोल बहा दिया। मेरे भाई जीवन में किया गया कोई भी उदारतापूर्ण व्यवहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक बड़े प्यारे संत हुए जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ, कहते हैं संत सुबह सुबह आहार लेने के लिए निकले थे, एक घर के बाहर पहुंचे तो घर की जो मालकिन थी बड़ी गुस्से में भरी हुई थी,
कोई घर में झगड़ा वगड़ा होगा, बड़ा गुस्से में भरी हुई थी। संत गए दरवाजे पर जाके कहा भिक्षाम देहि, क्या कहा? भिक्षाम देहि। वो गुस्से में भरी हुई महिला घर में पोंछा लगा रही थी, गुस्से में तो थी ही, और महाराज के सामने बाहर आकर कहा महाराज काहे की भिक्षाम दी, ये पोंछा है ले जाओ। पोंछा फेरी थी, पोंछा उठा के महाराज पर फेंक दिया, पोंछा ले जाओ। महाराज बेचारे शांति से पोंछा लेकर अपने यहां आ गए। सांझ के वक्त उन्होंने उस पोंछे को साबुन से रगड़ रगड़ कर इधर भी उधर भी धोया। मुस्कुराते हुए उस पोंछे को उन्होंने धोया, और धोने के बाद उसमें से धागे निकाले, और शाम को उन्हें ठाकुर जी की आरती करनी थी। शाम को उन्हें ठाकुर जी की, भगवान जी की आरती करनी थी। सो उसी को साबुन से धोए हुए उसमें से धागे निकाले, घी में भिगोए, और उसकी बातियां बनाकर आरती की थाली में सजा दी, और शाम को ठाकुर जी की आरती करने लगे। और जब आरती करने लगे तो मन ही मन गुनगुनाने लगे, हे प्रभु जैसे इस पहुँचे के बातियों की जैसे ज्योति जगमगा रही है, जैसे इन बातियों की ज्योति जगमगा रही है, वो जो महिला है जिसने मुझ पर पोंछा फेंका, तो उसके हृदय को भी ऐसे ही जगमगा दे। जिसने मुझ पर पोंछा फेंका तो उसके हृदय को भी ऐसे ही निर्मल पवित्र और जगमगाता हुआ कर दे। आदमी का प्रेम भरा व्यवहार, आदमी का उदारता भरा व्यवहार, यही तो दूसरों के दिलों में आदमी के लिए जगह बनाता है। मेरे भाई अपनी तरफ से जितना प्रेम बांट सकते हैं उतना प्रेम बांटिए। दुनिया में न किसी का धन याद किया जाता है, न यौवन याद किया जाता है, न जमीन जायदाद याद की जाती है, लेकिन हम जितना प्रेम बांटते हैं ना वो प्रेम जरूर याद किया जाता है। एक व्यक्ति किसी अनाथालय में किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए पहुंचा, एक व्यक्ति अनाथालय में किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए पहुंचा। गोद लेने वहां पर पहुंचा तो एक बच्चे का चयन किया गया, कागज वागज सब तैयार होने लगे, और जब बच्चे का शयन होने, हस्ताक्षर होने की बारी आई तो बच्चे ने कहा कि आप दोनों मुझे गोद ले रहे हैं, आप मुझे गोद लेकर क्या देंगे? बच्चे ने पूछा, आप दोनों मुझे गोद ले रहे हैं पर गोद लेकर क्या देंगे? दोनों ने, दंपति ने कहा, चिंता मत करो बेटा, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है, वो मकान हम तुमको देंगे। उस अनाथ बच्चे ने कहा, मकान का क्या देना, यहाँ मैं कौन सा बिना मकान रह रहा हूँ अनाथालय में, ये भी तो बड़ा मकान है। अरे बेटा चिंता मत करना, हम तुम्हें बहुत सारे खिलौने देंगे। ओहो खिलौने तो यहाँ भी बहुत लोग ला करके देते हैं। अच्छा हम तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। बच्चे ने कहा, खाना तो यहाँ भी लोग ला करके अपने अपने बच्चों के जन्मदिन पर लाकर हमें खिलाया करते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा हम तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे। लोगों, उसने कहा कि यहाँ भी लोग ला के पैसे की बहुत रसीदे कटाया करते हैं, आप मुझे क्या देंगे? तो उन्होंने कहा, बच्चे तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा, भोजन यहां खूब मिलता है, मुझे भोजन भी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे मम्मी पापा बनना चाहते हैं तो मकान तो यहां पर है ही, मुझे मकान भी नहीं चाहिए। जमीन तो यहां पर है ही, मुझे जमीन नहीं चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए। तो पूछा, क्या चाहिए? तो बोला, यहां पर एक चीज नहीं है, मुझे तो वो चाहिए। कहा, क्या? क्या? बोलो, आपका प्रेम और प्यार चाहिए बस। अनाथ बच्चे ने कहा, बाकी सब सुविधाएं तो यहां पर है पर मुझे अगर जिंदगी में चाहिए तो केवल आपका प्रेम प्यार मिठास चाहिए। तो मेरे भाई जीवन में दूसरी बात सदा सर्वदा अपने जीवन में जोड़ कर रखो, वो है हमेशा अपने मन में प्रेम से भरे हुए रहो, और दूसरों के प्रति हमेशा उदार 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 बने रहो। और अगर अंतिम काम मेरी तरफ से अगर आप कर सकें और सोच सकें तो वो इतना सा है कि हमेशा दूसरों के काम आने की कोशिश कीजिए, हमेशा अपनी ओर से दूसरों के काम आने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जिंदगी में की गई भलाई कभी बेकार नहीं जाती है, अपने द्वारा जिंदगी में की गई भलाई कभी बेकार नहीं जाती है। अरे मेरे भाई याद रखना, मैंने सुना है मरने के बाद हर इंसान के सारा खून पानी बन जाता है, पर जो लोग जीते जी अपनी खून की एक एक बूंद का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कर लिया करते हैं, मरने के बाद उनके शरीर का खून पानी नहीं बनता अभी तो वो खून ही अमृत बन जाया करता है। अपनी तरफ से जितने नेकी के काम कर सकें, भलाई के काम कर सकें, दुनिया के कल्याण के काम कर सकें, अपनी ओर से दूसरों के कल्याण के काम करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। अपनी ओर से बात खत्म करने से पहले एक मीठी सी प्यारी सी घटना का आपको आनंद दे रहा हूं जाते जाते, बड़ी प्यारी सी मीठी सी घटना का आनंद देता हूं। और घटना है एक ऐसे बच्चे की जिसके पिता दुनिया से तब चल बसे जब वो केवल 2 महीने का था। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस घटना को।
एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके पिता दुनिया से तब चले गए जब वो केवल 2 महीने का था, और उसकी मां दुनिया से तब चली गई जब वो केवल 14 साल का था। पर मरने से पहले मां ने उसे जीवन के कई पाठ पढ़ा दिए थे। मां ने कहा था, बेटा तेरा, तुझे महान बनाने का सपना मेरा भी था और तुम्हारे पापा का भी था, इसलिए जिंदगी में तो एक गरीब के घर में पैदा हुआ, पर गरीब बन के मत रहना। जीवन में ऊंचा आदमी बनना, महान आदमी बनना, आगे बढ़ना, दूसरों की भलाई करना, और मेरे बेटा याद रखना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, अपने परिश्रम पर विश्वास रखना, अपने भाग्य पर विश्वास रखना, मर जाना पर किसी के सामने हाथ मत फैलाना, भीख मांग कर कभी मत खाना, मर जाना पर मांग कर मत खाना। मां मर गई और मां के कही ये वचन बच्चे को बार बार याद आने लगे। ननिहाल में उसका कोई नहीं, ददिहाल में उसका कोई नहीं, बच्चा अकेला, ऐसा कोई नहीं उसका जिंदगी में जिसे वो अपना कह सके। ना ननिहाल में कोई था, ना ददिहाल में कोई था। और कहते हैं बच्चे ने मेहनत करनी शुरू की, स्कूल से आता, छोटे मोटे काम की तलाश करता, 1 रुपया 50 पैसा कमा के लाता, शाम की रोटी खाता, रोज का क्रम चलता रहता। एक दिन की बात, बच्चा काम की तलाश में निकला तो काम न मिला, काम न मिला तो दाम न मिला, और दाम न मिला तो भोजन न मिला, शाम को भूखा सो गया। अगले दिन फिर स्कूल से आया, फिर काम की तलाश में निकला तो फिर भी कोई काम न मिला, छोटा मोटा भी काम न मिला कि वो अठन्नी भी कमा बैठे, काम न मिला तो दाम न मिला, और दाम न मिला तो भोजन न मिला। बच्चा दूसरे दिन भी भूखा रहा, तीसरे दिन उसके पांव लड़खड़ाने लगे, पर मां का कहा हुआ यह वचन बार बार याद आने लगा, मर जाना पर मांग कर मत खाना। और कहते हैं तब बच्चे ने तीसरे दिन भी काम की तलाश में घर से निकला, दोपहर तक चलता रहा, कोई काम न मिला, उसके पांव लड़खड़ाने लगे, पेट भीतर धंसने लगा, सिर में चक्कर आने लगे। उसे लगा कि अब अगर भोजन न मिला तो मैं गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा और मर भी सकता हूं। और तब कहते हैं ना, मरता आखिर क्या न करता। और तब कहते हैं उस बच्चे ने यह सोच करके, माँ ने भले ही कहा हो पर अब अगर मुझे भोजन न मिला तो मैं मर जाऊंगा, सामने एक अमीर व्यक्ति का घर नजर आया, उसने घर का दरवाजा खटखटाया, एक संभ्रांत महिला बाहर निकल कर आई, कहा बोलो बेटा क्या काम है। कहा नहीं माता जी, किस लिए गया था वो? भोजन के लिए। भोजन के लिए गया था, और जैसे वो कहने वाला था, थोड़ा सा वो कहने वाला था कि मां की बात फिर याद आई, बेटा मर जाना पर जीवन में कभी भी मांग कर मत खाना। कहा माता जी कुछ नहीं, बस 1 गिलास पानी दे दीजिए। महिला भीतर गई, बच्चे के चेहरे को देखकर वो समझ गई थी कि बच्चा शायद भूखा है, और वो पानी के बजाय एक बड़ी वाली गिलास भर के दूध ले आई। उसने उस बच्चे को 1 गिलास दूध लाकर दिया, ठंडा ठंडा दूध था, गर्मी के मौसम में केसर भी उसमें डली हुई थी, सुबह का दूध बचा हुआ शायद रहा होगा फ्रिज में, और वो ठंडा दूध बच्चा गटा गटगटा गटगटा गट पूरी गिलास खाली कर गया, और संतुष्टि हुई, तृप्ति मिली। जेब में हाथ डाला, उसने पूछा माता जी दूध के बदले में आपको क्या दूं। जेब में हाथ डाला तो केवल 5 पैसे का एक सिक्का था, और जेब में कुछ भी नहीं था। तो उसने महिला से कहा, माँ जी आप ही बताइए कि आपको दूध के बदले में मैं क्या दूं। तो उस महिला ने कहा, बेटा कैसी बात करता है, दुनिया में कोई लेन देन थोड़ी होती है, तू बड़ा हो जाना, तू किसी के काम आना, बस इतना काम करना। बच्चा चला गया। 25-30 साल के बाद उस महिला को जिसने दूध पिलाया था उसे कैंसर हो गया, गांव में इलाज हुआ ठीक ना हो, उदयपुर लाया गया ठीक ना हुई, जयपुर लेकर गए वहां कैंसर हॉस्पिटल में, वहां भी इलाज हुआ 3 महीना, महिला का रोग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, खर्चा होता गया, और अंततः उस महिला को इलाज के लिए बॉम्बे ले जाया गया। बॉम्बे में एक बड़े अस्पताल में जो कैंसर का ही अस्पताल था, वहां उसके इलाज के लिए दाखिला हुआ। अस्पताल के मालिक ने महिला का नाम देखा, फोटो देखा, सब कुछ देखा, कुछ समझा, और उसका इलाज शुरू हुआ। 4 महीने तक उस बड़े अस्पताल में उस महिला का इलाज हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई, पर भीतर ही भीतर घबरा रही थी कि पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बिल आएगा, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बिल आएगा, ये महंगी अस्पताल है, मेरे घर वाले कैसे चुकाएंगे, बच्चे बेचारे वो तो यों भी मेरी बीमारी पर खर्चा करते करते सड़क पर आ गए हैं। वो भीतर ही भीतर घबरा ही रही थी कि आखिर रवानगी के दिन अस्पताल का बिल आ ही गया। बिल का लिफाफा महिला के हाथ में थमाया गया, महिला ने कांपते हुए हाथों से बिल के लिफाफे को खोला, और खोल कर उसमें से बिल को निकाला तो उसने देखा उसमें बिल तो नहीं, एक कागज का टुकड़ा लिखा हुआ था। उसने कागज का टुकड़ा निकाला, उसमें पढ़ा, और उसमें लिखा हुआ था, माँ जी आपने अपना बिल का भुगतान तो 25 साल पहले कर दिया था, आज मैंने वापस वही बिल का भुगतान किया है, वही 1 गिलास दूध वाला बच्चा। वही 1 गिलास दूध वाला बच्चा
जो आज इस अस्पताल का मालिक बन गया है, वही एक गिलास दूध वाला बच्चा महिला की आंखें भर आई। वो अपने आप को रोक न पाए कि क्या ईश्वर कभी एक गिलास दूध का भी ये परिणाम देता है। उस महिला की आंखें जर जर भर आई और उसने अपने पास में खड़े हुए दोनों बच्चों के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा पता नहीं अब मैं कब मर जाऊंगी, मुझे खबर नहीं, पर मरने से पहले मैंने जीवन का ये पाठ पढ़ा और तुम्हें पढ़ा कर जा रही हूं कि जीवन में तुम कभी किसी की थोड़ी सी भी भलाई करोगे तो वो थोड़ी सी भलाई कभी थोड़ी नहीं रहेगी, इस तरह वापस तुम्हारे सामने लौट कर आएगी, इसी तरह जीवन में लौट कर आएगी थोड़ी सी भलाई, थोड़ी सी भलाई कभी थोड़ी नहीं रहती। तो मेरे भाई जाते जाते सीख ले जाओ, अपनी ओर से हमेशा दूसरों के लिए भलाई के काम करते रहो। आपके लिए मंगल प्रेम दुआएं और शुभकामनाएं हैं।